हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम गया एक्सप्लोर करेंगे। गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। आपको हिस्टोरिकल प्लेस और पुराने मंदिर और पहाड़ों पर घूमना पसंद है तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो दिखाई जाएगी पुराने पौराणिक मंदिर और प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया जाएगा और पहाड़ियों वादियों और झरनों को दिखाया जाएगा। और आपको इस वीडियो में आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, भगवान बुद्ध की जीवनी का चित्र दीवारों पर भी दिया गया है और ये दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध का जीवनी कैसे बीता। इस वीडियो में आपको भगवान बुद्ध की जितनी भी प्रतिमा बोधगया में स्थित है उसी को दिखाया जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी मंदिर है जो कि इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप बोधगया गए तो सबसे पहले आपको ये मंदिर मिला और सबसे फर्स्ट मंदिर का नाम जय श्री महाबोधि मंदिर है। तो आप जब भी जाएं तो सबसे पहले आप इसी मंदिर को घूमें। बोधगया में आपको बहुत सारे लोग घूमने वाले मिलेंगे और उस मंदिर से निकलने के बाद ये रास्ता से होते हुए आपको एक और मंदिर मिलेगा जो कि आप सामने में देख रहे हैं। दूसरा मंदिर को हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि वहां पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। और बोधगया का सबसे बड़ा मंदिर दूसरा मंदिर ही है क्योंकि उसी मंदिर में एक वृक्ष का पेड़ है जहां पर कि बुद्ध भगवान को उस पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम बोधगया के दर्शन करेंगे। यह बोधगया में स्थित एक मंदिर है जो कि विशाल मंदिर है और आपको इस वीडियो में आगे बहुत सारी ऐसी मंदिरें दिखाई जाएगी जो कि आपने शायद कभी नहीं देखा हो। चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। बात बोले कि वहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है क्योंकि वो एक एरिया में आता है जहाँ पर देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये मंदिर अभी बंद है ना? ये टिबेट गए।